ध्यान दो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला लिस्ट दिए थे और आज उसी पे हम लोग क्वेश्चन कराएंगे और वह क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही होगा और उससे हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू एन पाई है, कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू टू एन प्लस वन पाई बाई टू है, और टैन थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू एन पाई है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा है तो थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन इंटू अल्फा है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा एन टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा है तो थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस अल्फा है। तो यह तुम्हारा बाबू फॉर्मूला दिया हुआ है और इस फॉर्मूला के आधार पर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा सोल्व, जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें। क्वेश्चन है कॉस 4x और कॉस 2x, सोल्व मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है, वेरिएबल है x यानी हमें फाइंड करना है x जनरल सॉल्यूशन में। तो कॉस 4x बराबर कॉस 2x दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला सेट होने वाला है, या थीटा बराबर मतलब 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x, अल्फा की जगह 2x है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन अगर हम लें तो 4x जो है मेरा 2n पाई प्लस 2x है, 4x में से 2x माइनस हुआ 2x, 2n पाई, 2 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया n पाई। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 4x जो है वह 2n पाई माइनस 2x हो गया, तो 6x हो गया 2n पाई, तो x हो गया 2n पाई बाई 6 यानी n पाई बाई 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग को मिलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान दोगे तो क्वेश्चन तुम बना लोगे। अब इसके आगे एक सवाल फिर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है बच्चों कि साइन 5x प्लस साइन x और साइन 3x इज इक्वल टू जीरो। सोल्व करना है, x का जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे, साइन का दो चीज प्लस में है तो साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे, तो लिखेंगे 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 कॉस 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x बराबर जीरो है, 2 साइन 3x कॉस 2x और यहाँ पे है साइन 3x बराबर जीरो। यहाँ पे साइन 3x अगर हम कॉमन उठाएं, दोनों में साइन 3x है तो 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको बच्चों अगर आगे बढ़ाओगे तो साइन 3x बराबर जीरो होगा या 2 कॉस 2x प्लस 1 बराबर जीरो, इसके बाद इधर लिख रहे हैं, ठीक है? तो साइन 3x बराबर जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो होता है तो थीटा का वैल्यू एन पाई होता है, तो 3x बराबर लिख देंगे एन पाई, तो x का वैल्यू होगा एन पाई बाई 3। क्लियर? कॉस 2x जो होगा वह हो गया माइनस 1 बाई 2, कॉस माइनस 1 बाई 2, ध्यान दो कॉस माइनस 1 बाई 2, तो कॉस माइनस 1 बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 3 लिख देंगे। कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 होता है, तो कॉस 2x बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं। कभी भी कॉस के बाहर में माइनस हो तो यहां एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, माइनस कॉस थीटा होगा तो कॉस पाई माइनस थीटा कर देंगे, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है,
देखो बच्चे लोगों को प्रॉब्लम जो हो रहे हैं वह इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा और प्रैक्टिस बढ़ेगा तो यह सब चीजें आसान लगने लगेंगी। थोड़ा बच्चों धैर्य रखना पड़ेगा। कॉस टू पाई बाई थ्री आ गया। अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के फॉर्म में यह दिख रहा है तो 2x बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई थ्री। तो x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। तो हो गया मेरा आंसर क्लियर। तो x का दो आंसर यहां पे, दो आंसर यहां पे इस क्वेश्चन के लिए आ गया। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान दो इसको बाबू, नोट कर लोगे, स्क्रीन शॉट ले लेना, इसे नोट कर लेना ठीक है। तो नोट करोगे एनसीईआरटी 3.4 और बुक होगा तुम्हारे पास, तो एनसीईआरटी 3.4 में यह सभी सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। अब फिर से हम आगे क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझना। देखो बच्चों सवाल यह है कि फिर सोल्व करना है जनरल सॉल्यूशन के लिए sec स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x। देखो बच्चों यहां पे ध्यान दो कि जो भी मेरे पास जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला मौजूद है वह दोनों साइड एक ही जैसा चीज होना चाहिए, मतलब साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा, मतलब ऐसा नहीं कि sec इधर हो और इधर tan हो। तो sec स्क्वायर को tan में बदलना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan 2x। बात को समझो, sec स्क्वायर को tan में बदलना मेरे लिए इसेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसलिए यूज किए यहां पे क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में सोल्व करने में, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सोल्व करने में दोनों तरफ एक ही जैसा चीज होता है तो ही मेरा फॉर्मूला होता है। तो हम चेंज कर दिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर 0। इधर माइनस इधर ले आए प्लस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी वेरिएबल को काटा नहीं जाता है, मतलब जो इधर x वाला चीज और इधर x वाले चीज को काटे नहीं जाते हैं। धीरे धीरे आगे सीखोगे तुम लोग, हमेशा कॉमन लिया जाता है। तो tan 2x कॉमन लोगे तो यहां पे आ जाएगा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से tan 2x या तो 0 हुआ या tan 2x प्लस 1 बराबर 0 हुआ। tan थीटा 0 होता है तो 2x बराबर होता है n पाई और x बराबर हो जाता है n पाई बाई 2। यहां tan 2x बराबर आ गया बच्चों माइनस 1, tan 2x का वैल्यू आ गया माइनस 1। tan में 1 वैल्यू पाई बाई 4 का होता है, यहां माइनस लिखा हुआ है। tan माइनस tan थीटा बच्चों कभी भी तुम देखोगे तो इसे tan पाई माइनस थीटा कर देना, याद रखना ये सब बात। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो लिख देंगे tan 2x tan पाई माइनस पाई बाई 4। तो tan 2x बराबर tan, यहां माइनस कर दोगे तो tan 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, यानी x बराबर आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। यहां 2 से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से मेरे सवाल मेरे आ सकते हैं। फिर इसके आगे हमारा सवाल आया कि साइन 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0। इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 लिख सकते हो बच्चों। यहां कॉस एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया। कॉस एक्स बराबर 0 या 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, दो चीज प्रोडक्ट में जीरो है तो या तो यह जीरो होगा या तो यह जीरो होगा। कॉस एक्स जीरो है तो एक्स का वैल्यू फॉर्मूला पता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सोल्व करना, जनरल सॉल्यूशन निकालने का बेसिक बात तो तुम समझ चुके हो। साइन 2x साइन x बराबर माइनस 1 बाई 2 आ गया बच्चों। तो साइन x बराबर माइनस साइन पाई बाई 6 कर देंगे। साइन में माइनस अगर आ गया तो माइनस साइन थीटा को साइन पाई प्लस थीटा लिखना बच्चों। क्यों पाई प्लस लिखे हैं,
क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा फिर साइन ए थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा रहेगा तो साइन पाई प्लस थीटा लिखना है। ठीक है, तीनों का हम एक बार बता दें, कॉस माइनस में कॉस थीटा आता तब पाई माइनस थीटा लिखते हैं, माइनस में टेन थीटा आता तो टेन पाई माइनस थीटा लिखते हैं, क्योंकि साइन में माइनस थीटा आ जाएगा तो साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे। तो यहां से साइन एक्स बराबर आ जाएगा साइन एक्स पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो साइन एक्स बराबर मेरा आ जाएगा साइन सेवन पाई बाई सिक्स। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर आ गया एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन और सेवन पाई बाई सिक्स, यह मेरा सवाल आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लोगे और क्वेश्चन बच्चों बना लोगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसे हटाते हैं बच्चों, इसे मिटाते हैं, इसको बाबू नोट कर लोगे स्क्रीनशॉट ले करे, और जो चीजें सिखा रहे हैं उसे सीखो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो। जब YouTube पे पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, उस तरीका को समझो, और जब तक हमारा परिस्थितियां समान नहीं हो जाती हैं तब तक तो हमें इस तरीका से ही पढ़ना होगा और हिम्मत नहीं हारना होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर जीरो, सोल्व करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो cos c प्लस cos d दिख रहा है तुम्हें, तो तुम लिखोगे 2 cos 3x प्लस x बाई टू, cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू। तो यहां पे आ गया 2 cos 2x cos x cos 2x बराबर जीरो। यहां से आ गया बच्चों cos 2x कॉमन, तो 2 cos x माइनस वन बराबर जीरो, तो cos 2x जीरो होगा या 2 cos x माइनस वन बराबर जीरो होगा। cos 2x जीरो होता है तो 2x का वैल्यू 2n प्लस वन पाई बाई टू होता है, तो x का वैल्यू 2s 2n प्लस वन पाई बाई फोर हो जाएगा। cos x बराबर आ गया 1 बाई टू, तो cos x बराबर cos पाई बाई थ्री लिख देंगे, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, सब फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। अब इसके बाद हमारा जनरल सॉल्यूशन का जो क्लासेज है, यही पांच सवाल जनरल सॉल्यूशन का मेरा निकालने के लिए पूछा है। अब क्वेश्चन दिया है tan x बराबर रूट थ्री, देखो आसान सा सवाल है, tan x को हम लोग tan पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री एक्चुअली 60 डिग्री होता है, कैसे जाने, पाई 180 डिग्री बाई थ्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री होती है, tan थीटा tan अल्फा है तो x का वैल्यू हो गया एन पाई प्लस पाई बाई थ्री। यह जो वैल्यू तुम्हारा मिलता है इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन, n के जगह जीरो रखोगे तो x का वैल्यू पाई बाई थ्री मिलेगा, n के जगह वन रखोगे तो पाई प्लस पाई बाई थ्री मतलब फोर पाई बाई थ्री मिलेगा, n के जगह टू लिखोगे तो टू पाई प्लस पाई बाई थ्री मिल जाएगा, n के जगह माइनस वन रखोगे तो x का वैल्यू माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री मिलेगा, मतलब n का वैल्यू भरते जाएंगे तो x के अलग अलग वैल्यू मिलते चले जाएंगे। देखो बच्चों, वैल्यूज लाइंग बिटवीन जीरो एंड टू पाई, मतलब x का जो वैल्यू जीरो और टू पाई के बीच में होता है आर प्रिंसिपल वैल्यूज, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जनरल वैल्यू तो यह है, जनरल सॉल्यूशन यह है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो x के उन वैल्यू को लिखना है जो जीरो और टू पाई के बीच में है, तो एक आया पाई बाई थ्री, ध्यान दो यहां पाई बाई थ्री है, एक है फोर पाई बाई थ्री, और यह टू पाई में ज्यादा हो गया या तो निगेटिव में ही आ गया, तो या नहीं लेंगे, अब थ्री रखोगे तो थ्री पाई से ज्यादा हो जाएगा, हमें तो टू पाई से ज्यादा पे ही छोड़ देना है, मतलब इसके बाद छोड़ देना है और निगेटिव वैल्यू भी छोड़ देना है, मतलब सभी वैल्यू को देखकर
यह देखो एनसीईआरटी में 3.4 चैप्टर है, 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, यह 5 सवाल शुरुआत में बताया, यह जनरल सॉल्यूशन का सवाल है। ठीक है बच्चों, अगर इसको बाबू नोट कर लेना है तुम लोग को, ठीक है। अब हम लोग एक और सवाल तुम लोग को बताकर दिखा रहे हैं, हटाते इसे। ज्यादा टॉप सवाल नहीं है बच्चों, और ज्यादा टॉप ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तुम अपने आप को थोड़ा कमजोर बना रहे हो मेहनत नहीं करके। मेहनत करना पड़ता है क्योंकि बहुत आगे जाना है जीवन में, तो इसलिए मेहनत से हम कैसे पीछे हट सकते हैं। सभी फॉर्मूला का लिस्ट बना के याद करेंगे, मेहनत करेंगे, वीडियोज रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, कैसे हम हिम्मत हार सकते हैं जीवन में। कॉर्टेक्स बराबर -√3 दिया है, तो इसे टेन एक्स बदल दो तो -1/√3 होगा। क्यों हम टेन एक्स में, क्योंकि फॉर्मूला टेन में था, तो टेन एक्स -10π/6। टेन 30 डिग्री का वैल्यू, पाई बाई सिक्स का वैल्यू 1/√3 होता है। माइनस जब आगे दिखेगा ना बच्चों, सीधा सीधी बात है कि टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख लेना, अभी तुरंत पता है। तो यही बात तुम नोट करो घर पर कि -10 में आ जाएगा ना, तो 10 को इस तरह हम चेंज करते हैं और थोड़े प्रैक्टिस से सीखेंगे तो 10 5π/6 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया (n π + 5π/6)। कहां से फॉर्मूला उठाए, यहां से tan थीटा tan अल्फा था, तो थीटा का वैल्यू (n π + α) लिख दिए। अब यहां पे n के जगह 0 लेंगे तो x के जगह 5π/6 हो गया, n के जगह 1 लिख लेंगे तो x के जगह π + 5π/6 (11π/6), n के जगह 2 रख देंगे तो 2π + π/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2π से बड़ा नहीं लेना होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, और निगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं। तो यह हुआ जनरल सॉल्यूशन, यह हुआ बच्चों जनरल सॉल्यूशन, और यह हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आज के क्लास में, पिछले क्लास में हम तुम लोगों को क्वेश्चन कर थ्योरी कराए थे, और आज उसी पे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.4 के 7 सवाल हम करा दिए हैं। 9 सवाल दिया हुआ है, अगर ध्यान दोगे तो टोटल बाबू समझ लोगे। ठीक है, तो अगर हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसे बच्चों नोट कर लोगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में हम तुम लोगों को इसी चैप्टर पे जुड़े हुए आगे अलग बुक से कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। तब तक के लिए बाबू मेहनत करते रहो, जी जान लगा के मेहनत करोगे तो ही मैथ सीख सकते हो, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। अभी तक के मैथ के जितने वीडियोज गए हैं रिपीट करो, बार बार देखो, लेकिन मेहनत करके नोट्स बनाओ, और मेहनत ही तुम्हें आगे लेके जाएगा।